बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों के? दुआ यही है हमेशा की तरह कि आप जहां रहें खैर खैरियत से रहें, अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखें और एक नई सुबह के साथ, कुछ नई उम्मीदों के साथ और वही वादे के साथ कि आपके लिए हम लेके आए इंफोटेनमेंट ट्रांसमिशन। जी हाँ, आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। एंड क्विक थॉट ऑफ द डे क्या है कि जितना हो सके फैमिली बॉन्डिंग करें, कम्युनिकेशन गैप जो माँ बाप और बच्चों के बीच में होता है उसको जितना हो सके कम से कम करें। जितने भी बच्चों के मसाइल होते हैं अपने बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके बुजुर्गों ने बेहतर तरीके से ज़िंदगी को गुजारा होता है। अपने एक्सपीरियंस के जरिए वो आपके मसलों को हल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, मैं हूँ फारूक हसन और हमेशा की तरह सुंदर थॉट ऑफ द डे, अगेन वेरी थॉट प्रोवोकिंग। मेरा ख्याल में ज़िंदगी में जितने भी मसाइल पैदा होते हैं आपके किसी भी रिलेशनशिप में, अपने वालदैन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से होते हैं। कम्युनिकेशन गैप जब आ जाए तो फासले बढ़ते जाते हैं और ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ईगो जो है वो, आजकल तो खासतौर पर बहुत ज़्यादा ईगो लोगों में होती है, वो जो है वो आड़े आ जाती है और आप मसाइल हल नहीं करते, एक दूसरे के साथ बैठते नहीं है, बात नहीं करते, जिसकी वजह से मसला, छोटा सा मसला जो है वो बड़ा होता जाता है और फिर वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो हल नहीं हो पाता। जनाब सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तजिया निगार हैं, रिपोर्टर, चीफ रिपोर्टर है नवाई वक्त के। अस्सलामुअलैकुम गनी साहब। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं सब, आप एग्री करते हैं ना कि सबको एक टेबल पर बैठ के मुल्क की खातिर सोचना चाहिए, ना कि अपने पोलिटिकल एजेंडाज के बारे में। इसका जो आप, तो मैं एक शेर में दे सकता हूँ कि जमाने भर की निगाहों में मुतबर होंगे वो फैसले जो मोहब्बत की मेज पर। वाह, क्या बात। अच्छा गनी साहब, बड़ा अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग एक आई के जी जाली डिग्रियों के हवाले से। काफी अरसे से हम पिछले कुछ साल से आई थिंक केसेस देख रहे थे, कभी कोई MP अनसीट होता था, कभी वो रिजाइन कर देता था, कभी MNA, फिर हमने देखा वही चेहरे जो जिन्होंने एक इस तरह के फॉल्स प्रीटेक्स्ट पे असेंबली में आए, उन्होंने रिजाइन किया या डिस्क्वालीफाई हुए और फिर दोबारा से इलेक्शन लड़ा और फिर असेंबली में आ गए, उन्हीं लोगों को सीट मिली। तो कल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई कि इनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए और ये माशरे पे एक बुरा असर डालते हैं, इस हवाले से मैं चाहूँगा आप कुछ। देखिए, ये तफसीली फैसला है जाली डिग्रियों के हमले अफराद के खिलाफ। आपका आर्टिकल 62 और 63 बदयानत, करप्ट और खाइन अफराद को नाहल साबित करता है कि ये लोग किसी तरह भी कौम और मुल्क की नुमाइंदगी के अहल नहीं हो सकते। सही। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि आपकी असम्बलीज के अंदर तकरीबन एक तहाई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी डिग्रीज जाली हैं, जिनके केसेस अदालतों में मौजूद हैं, और एक और इससे बड़ी बदकिस्मती है कि अब हायर एजुकेशन कमीशन के वो जो तहकीकाती अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। वैन साहब, एक हल्का PP 160 में कल ज़मीनी इंतखाब हुआ, टफ कॉन्टेस्ट था। खान साहब, इमरान खान ने भी काफ़ी जलसे भी किए, जलसे जलूस सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा थी इस दफ़ा, अवाम पब्लिक काफ़ी ज़्यादा रैलीज में भी आई, लेकिन रिजल्ट जो कि एक किस्म का एक्सपेक्टेड कह सकते हैं, जो अक्सर एनालिस्ट भी कहते हैं कि जी जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसे ज़िमनी इंतखाब में हराना जो है वो मुमकिन नहीं होता, बड़े रेयर केसेस होते हैं, वही हुआ कि तकरीबन 8,000 वोटों के डिफरेंस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट था वो PML नवाज़ के कैंडिडेट से हार गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें सामने आई वो ये थी कि 20,000 के करीब वोट लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने और 28,000 वोट लिए PMLN के। तो इट शोज़ अ डिफरेंट ट्रेंड। एक इसमें ये बात दुरुस्त है कि जो रिजल्ट थे वो तो एक्सपेक्टेड थे, लेकिन जो वोटों की तकसीम है वो अनएक्सपेक्टेड है। इसमें तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा वोट लिए हैं और मैं समझता हूँ कि ये क्यों लिए, कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में तब्दीली की बात कर रहे हैं और सिस्टम की तब्दीली की बात, और ख़ास तौर पे आप देखें कि जो हम बात कर रहे थे कि जो लोग जाली डिग्रियों के ज़रिए गैर कानूनी ज़राए इस्तेमाल करते हुए आपकी पार्लियामेंट में पहुंचते हैं वो आपके नुमाइंदा नहीं हो सकते। लेकिन फारूक, इसमें एक चीज़ अभी तक किसी ने टच नहीं की। आप देखें कि 2008 में इसी नशिस्त पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 42,000 वोट लिए,
17,000 पीपल्स पार्टी के अमजद जट ने लिए और तीसरे नंबर पे काफ लीग थी। लेकिन मुकाबला पीएम नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स का ही था जो वहां के हलके की मैं कहता हूं असल लम्हा फिक्रिया ये जमात इस्लामी के लिए सही। ये वो हलका है जहां पर जमात इस्लामी का हेडक्वार्टर मंसूरा भी है। जमात इस्लामी पाकिस्तान की एक मौसर कुव्वत है, उन्हें इस अमर का जरूर जायजा लेना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि लाहौर जैसा शहर जहां पर उनके तीन तीन एमएनएज रहे हैं आज उस हलके में वो नंबर थ्री रहे हैं। और मैं समझता हूं कि एक और चीज़ है इस इलेक्शन के हवाले से, देखें वो मुस्लिम लीग नून को टारगेट करें या नवाज शरीफ को करें, बात यह है कि ये तीनों फोर्सेस पाकिस्तान में तब्दीली की बात कर रही है। इसी बात को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन हमने ब्रेक की तरफ बढ़ना है। थैंक यू सो मच गनी साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। नाज़रीन ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे बिलाल भाई और डॉक्टर मसूद सादिक भी हैं जी, और गेस्ट आवर में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है, थोड़ा सा सरप्राइज रख रहे हैं। और कराची से आए हैं, कराची से, बस हाँ यही है सरप्राइज। बड़े मशहूर एक्टर, नाम नहीं बताना प्लीज, प्लीज सरप्राइज डिस्क्लोज ना कर देना। और गिफ्ट हैम्पर्स भी होंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया। Jaago 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 ja